दोस्तों स्मार्ट ड्राइव पेश करते हैं सबसे बढ़िया वायरलेस चार्जर प्लस मोबाइल होल्डर। यस, ये मोबाइल होल्डर ना ही आपके डेली कम्यूट्स को आसान करेगा बट आपका मोबाइल भी चार्ज करेगा, तो पूरा वीडियो देखना ना भूले। जैसा कि हमने आपको कहा है, मोबाइल होल्डर वायरलेस चार्जर ये आज बहुत हेफ्टी प्राइजेस पे मिलते हैं, तो अमेज़ॉन पे ये बेस्ट डील मुझे जब मिला तो मैंने सोचा इसका वीडियो तो बनना पड़ता है। तो अभी सबसे बढ़िया एक बात है कि ये बहुत ही छोटा साइज़ और बहुत ही पोर्टेबल और आपके लिए मल्टीपर्पज़ यूज़। अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं भी करता है तो भी यहाँ से ठीक से चार्जिंग हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल डेडिकेटेड पोर्ट चार्जिंग के लिए अलग स्लॉट दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 अलग अलग कलर्स में ये है जो आपके कार के इंटीरियर को सूट करेंगे। उसके बाद 65 mm by 130 mm का इसका जो डायमेंशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये स्मार्ट चार्जर है। यस, तो अभी मैं S7H के लिए इसे ट्राई करूँगा और उसके बाद एप्पल मोबाइल भी हम इस पर ज़रूर लगाएंगे, जो कि बिग साइज़ मोबाइल है, तो ये ठीक से काम करता है या नहीं। और दोस्तों ये वेरिएंट जो है बॉक्स पे दिए हुए हैं, मैंने ब्लैक कलर इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे कार का इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैक है। तो आइए इसे अनबॉक्स करें। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मिली है एक USB-C टाइप वायर। ये अनफॉर्चुनेटली फास्ट चार्जिंग वाली वायर नहीं है। और दूसरा है इसका क्लिप जो कि आपके एयर वेंट में एंगेज होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको मोबाइल होल्डर के साथ आती है। तो कुल मिला के आप अगर देख लें तो आपके पास सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल होल्डर प्लस वायरलेस चार्जर का मेन यूनिट। इसका डिज़ाइन मुझे ऑनलाइन देखने के बाद पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीक है। अगर आप मोबाइल इसमें नहीं भी लगाते तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है, मॉडर्न फिनिश है। आप यहाँ पे 3 डॉट देख सकते हैं, ये टच सेंसर वाले डॉट है, और ये डिज़ाइन वाइज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ पे नीचे रबर पैडिंग है और बीच में चार्जिंग के लिए थोड़ी सी ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ी है। दोस्तों अब हम कार में आ चुके हैं और ये जो मोबाइल क्लिप है ये हमें एयर वेंट में लगा के पहले देखना होगा। यस, आपकी कार को अगर ये एयर वेंट क्लिप सूट ना करे तो आप मोबाइल चार्जर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो रिटर्नेबल बेसिस पे आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये मोबाइल क्लिप आपने एक बार चेक करने उसके बाद ही बाकी सब फीचर्स देखने ज़रूरी है। अब बात करेंगे इसके साथ आए हुए USB-C वायर की। ये वायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, तो हम इसे फास्ट चार्जिंग के लिए तो रेकमेंड नहीं करेंगे। तो हम आपको स्पेशली सजेस्ट करेंगे बोट का कार चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और उसी की वायर आप ले जिससे कि आपको फुल फास्ट चार्जिंग का एक्सपीरियंस आए। अब बात करेंगे हमारे प्यारे से मोबाइल होल्डर की। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ग्लॉसी और मस्त इसका फिनिश है, ब्लैक कलर है पूरा, और मैट हैंडल्स और ग्लॉसी बैक पैनल के साथ वायरलेस चार्जिंग इस पर लिखा हुआ है, और इसका रेडियम बहुत ही प्यारा चमकता है जिससे कि पता चल जाए कि ये कोई प्रीमियम मोबाइल ही है लगता है पहले नज़र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग डॉट है, ये टच सेंसर्स है मोबाइल को रिलीज करने के लिए। उसके बाद आएगा आपका स्विवल वाला 360 डिग्री हुक, उसके नीचे है आपका वायरलेस चार्जिंग वाला बड़ा कॉइल, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रबर पैड जो कि आपको मोबाइल को कभी गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों ये होल्डर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और हम इसे अभी ट्राई आउट करने वाले हैं। इसके सामने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगे मुझे, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो हैंडल्स हैं वो बहुत ही मॉडर्न लुक वाले हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसे में नहीं कहूँगा क्योंकि ये वन टाइम इंस्टॉलेशन होगा और एयर वेंट आपका बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आपको नॉब यहाँ से निकाल लेना होगा जिससे कि आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ठीक से इंस्टॉल करना जमेगा। तो हम पहले लेंगे एयर वेंट वाली क्लिप, उसके अंदर ये स्विवल वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पहला नोड डाल देंगे। अब बात करेंगे मोबाइल होल्डर की, तो उसमें ये ठीक से प्रेस फिट करना है आपको।
दोस्तों ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, ये प्रेस हो गया। अभी आप स्विवल इफेक्ट देख सकते हैं, तो मुझे इसको स्क्रू टाइट करके एक जगह फिक्स करना है। ये हो गया। अब पूरा टाइट करने से पहले आपको ये बटन जो है वो अपराइट करना है, जिससे कि आपको दबाने में आसानी हो और इससे अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। ये अपराइट अगर ठीक से ना हो, टेढ़ा अगर बैठ जाए, तो चांसेस है कि आप एयर वेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा लूज़ भी रखना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है, और बटन प्रेस करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने पहले अलाइन करके देखा है, ये ठीक से जो ऊपर से दूसरी वाली रो है उसमें ठीक से बैठ रहा है। अभी बटन दबा के एक बार देख लेंगे, ऊपर से दूसरी स्ट्रिप जो है उसमें हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं अभी। ये ठीक से अभी लग चुका है। अभी ये जो स्क्रू हमने देखा था, अगर ये थोड़ा आप टाइट कर ले तो इसका पोजीशन फिक्स हो जाता है। तो अभी ये फ्रीली मूवेबल है, अगर आपको को पैसेंजर की तरफ इसका मूव करना है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं एक जगह ये फिक्स कर लेता हूँ मेरी तरफ। यस, ये सही पोजीशन मुझे लग रही है। और इसको टाइट और अनटाइट करने के लिए आपको सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोस्तों अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब ये टाइट हो चुका है। तो दोस्तों ये इसका पोजीशन अभी तक फिक्स हुआ है, अभी चार्जिंग वायर लगाना बाकी है। अभी इंस्टॉलेशन के बाद ऊपर से आपको ये सिमिलर ऐसा ही दिखेगा। आप देख सकते हैं क्लिप पूरी तरह से इसको रेस्ट हो चुकी है, और जैसे कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये मोबाइल होल्डर अभी फ्रीली मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ना भूले आप, एंटी क्लॉकवाइज से ये टाइट हो जाएगा, इसे आपको जल्दी से पता चल जाएगा। ये देखिए इसका एक होल्डर जो है नीचे वाला वायरलेस कॉइल, वो अच्छे से यहाँ पे टच होता है, तो बॉडी कहीं भी घिसती नहीं है, ब्लैक पैनल पे अच्छे से रेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे है चार्जिंग का वायर, USB-C वायर यहाँ पे जाएगा आपका, और ये है आपका एयर वेंट का क्लिप। ये अच्छे से स्टर्डीली बैठ जाता है, कोई भी आवाज़ इससे नहीं आती, कितना भी बम्पी राइड क्यों भी हो या ना हो। तो दोस्तों अब इसको चार्जिंग वायर लगाएंगे। अब बारी है चार्जिंग वायर लगाने की। तो दोस्तों हमने चार्जिंग वायर रेडी कर लिया है, जो कि कंपनी से ही प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नीचे के स्लॉट में आपको पुश करना है, जब तक आपको टिक की आवाज़ नहीं आती। इस फिर से एक बार मैंने अलाइन कर लिया है, और उसके बाद मैंने ये जो है वो मीडिया प्लेयर के USB सपोर्ट को दे दिया है। इसका अलग एक बेनिफिट है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो स्विच ऑन करने के बाद आपको देखने मिलेगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। जैसे मैं मोबाइल या फिर उंगली उसके आजू बाजू नेता हूँ तो वो ओपन हो जाता है अपने आप मोबाइल एक्सेप्ट करने के लिए। मोबाइल हमने ले लिया है, देखिए दोस्तों इसने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, मोबाइल वापस क्लोज हो गया है और वायरलेस चार्जिंग भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे कुछ ही सेकंड में वायरलेस चार्जिंग को शुरू कर देता है, कोई भी होल्ड ना रखते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पीछे का सेंसर दबाया तो इसने मोबाइल ओपन अप कर लिया है, वायरलेस चार्जिंग भी पॉज हो चुकी है। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ये देखिए दोस्तों वापस एक बार ट्रायल। तो ये है सही मायने में मोबाइल होल्डर प्लस वायरलेस कार चार्जर। पीछे के तीन डॉट्स पे आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है और ये मोबाइल रिलीज कर देगा। तो कितना भी आप रश में रहे, आपको बिल्कुल चार्जिंग वायर का कोई हेडेक आपको नहीं रहता है। अभी देखिए ये एप्पल है जिसमें कि वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे आपको मोबाइल बहुत ही प्यारी तरह से हैंडल होता हुआ दिख रहा है। तो कितना भी बड़ा मोबाइल क्यों ना रहे, इसमें अच्छे से आपको सहूलियत मिलेगी मोबाइल अटैच करने की। तो दोस्तों यूज़ के लिए भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा, एकदम इजीली एक्सेसिबल यूज़ इसका हो रहा है। मैं लेफ्टी हूँ तो मैंने इस साइड रखा है थोड़ी देर में, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सही पोजीशन सही मायने में सियाज के लिए बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पे वायर इसकी टच हो रही है डिस्प्ले को, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। जो फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते उनके लिए स्पेशली गैप दिया हुआ है, जिससे कि आप चार्जिंग केबल वहाँ पर फिट कर सकें।
स्मार्ट रे आपको रिकमेंड करता है राइट साइड का एयरबेंट, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करने में आसानी होगी और बेसिकली आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा। जैसे कि आप सही में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं राइट साइड अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ इसको। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो नॉन डिस्टर्बिंग वाला एलिमेंट है, जहाँ की मीडिया प्लेयर अलग से आ रहा है और राइट साइड में कोई भी पैनल नहीं था, तो यूज़ करने के लिए मेरा राइट हैंड हमेशा फ्री रहेगा मोबाइल को एक्सेप्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल क्लिक है, गियर चेंजिंग के टाइम भी कोई इशू नहीं आएगा आपको। ये देखिए मैंने मोबाइल ठीक से निकाल लिया है और आसानी से अगर आप डोर ओपन करने के बाद अगर आपको ध्यान में आता है कि मोबाइल आपने ले लिया है, तो आपको ये सबसे बढ़िया पोजीशन रहेगी, ना कि ज़्यादा झुकना है आपको, सिर्फ दरवाज़ा ओपन करके इसको रिसीव करना है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कार चार्जर है, इसका वायर कहाँ से लिया है मैंने ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मीडिया प्लेयर को ही मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मीडिया प्लेयर का 10 से 15 सेकंड कार बंद होने के बाद भी ये क्लैंप ओपन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडिया प्लेयर को लगाया है, जिससे कि आप गाड़ी बंद होने के बाद अगर आपको पता चले कि आपका मोबाइल आपने नहीं निकाला है, तो आपको उसकी भी सहूलियत मिल जाती है। देखिए चार्जिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, ACC हो या ऑन मोड हो आपकी चार्जिंग चालू रहेगी, मोबाइल बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करेगा। अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका चार्जिंग पोर्ट हमेशा ही ओपन रहेगा बाय डिज़ाइन, तो आप कौन सा भी मोबाइल इसको लगा के उसकी चार्जिंग वायर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीछे वाले तीन सेंसर बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए किस तरह से ये ओपन अप हो रहा है, बहुत ही सही टच सेंसर यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, तो आप निकालने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे कुछ नहीं है कि आप अगर उसी समय ना निकले तो ये मोबाइल गिर जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको नोएमी का ये कार मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर पसंद आया होगा। इसके परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ये मैं लगभग एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये यूज़ करने के बाद ही आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनवाया है, जिससे कि आपको भी पता चले इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर कोई डाउट है तो smartdrive333.com पे हमें कमेंट करना न भूले। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।